Good morning, students. Today, we are going to do some extra concepts of EVS of chapter number 10 and worksheet based upon this chapter. Clear? We have finished its extra concepts, which includes question answers, short question answers, and long question answers in our last class. So, let's start today's topic. फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पॉइंट देयर आर डैश प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी तो कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं एज वी नो देर आर टू टीम्स ऑफ कबड्डी कबड्डी में दो टीम्स होती हैं टीम ए एंड टीम बी और इसमें कितने प्लेयर होते हैं देर आर सेवन प्लेयर्स सेवन प्लेयर्स इन ईच टीम राइट सेकेंड यू नीड टू यूज़ बोथ योर डैश एंड डैश इन दिस गेम आपको कबड्डी की गेम में अपना क्या क्या यूज़ करना पड़ता है बॉडी एंड माइंड बॉडी एंड माइंड राइट थर्ड गेम ऑफ कबड्डी इज़ प्लेड ओवर डैश मिनट्स विद अ डैश मिनट ब्रेक तो कबड्डी की गेम कितने मिनट्स की होती हैं फोर्टी मिनट्स की जिसमें टू हाफ होते हैं एक ट्वेंटी मिनट्स का सेकेंड भी ट्वेंटी मिनट्स का और उसमें ब्रेक कितनी होती है फाइव मिनट्स ब्रेक राइट नेक्स्ट फोर्थ कबड्डी इज नॉन एज डैश इन आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में कबड्डी को क्या बोला जाता है शेडो गुड्डू शेडू गुड्डू राइट शेडू गुडू फिफ्थ कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री तो कबड्डी कहाँ की नेशनल गेम है बांग्लादेश की तो इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है हॉकी राइट क्वेश्चन नंबर टू एम सी क्यूज फर्स्ट अ कबड्डी टीम हैज डैश प्लेयर्स वी हैव फोर ऑप्शंस फाइव सिक्स सेवन एंड नैन ऑफ दीज कबड्डी टीम है सेवन प्लेयर्स सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन सेकेंड इन खो खो वट हैपन्स वेन समन टच यू खो खो की टीम जो खो खो की गेम होती हैं उसमें क्या होता है जब कोई आपको टच करता है वी हैव फोर ऑप्शन्स फर्स्ट इज नो पॉइंट्स आर काउंटेड कोई पॉइंट काउंट नहीं होते सेकेंड द गेम एंड्स गेम एंड हो जाती है थर्ड यू रिमेन इन द गेम आप गेम में ही रहते हो फोर्थ यू गेट आउट सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन कि जब कोई प्लेयर दूसरे को टच करता है तो वो आउट हो जाता है राइट थर्ड कर्नम मलेश्वरी लिव्स इन कहाँ रहती थी कर्नम मलेश्वरी रहती हैं आंध्र प्रदेश मुंबई दिल्ली नन ऑफ दीज सो आंध्र प्रदेश ए इज द कुरेक्ट ऑप्शन फोर्थ ज्वाला लीला एंड हीरा हैव बीन तो ज्वाला लीला एंड हीरा कौन थी कबड्डी कोच, खो खो कोच कबड्डी प्लेयर्स ऑल ऑफ दीज तो कौन थी वो कबड्डी प्लेयर्स सो सी इज द कुरेक्ट ऑप्शन फिफ्थ ऑल गेम हैव रूल्स विच एवरी शुड नो हर गेम के कोई ना कोई रूल होती हैं जिसको किसको पता होना चाहिए रेफरी को स्पेक्टेटर देखने वाले को प्लेयर को नन ऑफ दीज सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन के सो नेक्स्ट इज थर्ड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स फर्स्ट रोजी वॉज इन श्यामला स्टीन सो इट इज फॉल्स रोजी शामला की टीम में नहीं थी सेकेंड सिक्स प्लेयर्स गॉट आउट वेन श्यामला टच द लाइन तो सिक्स प्लेयर गॉट आउट हो गए थे जब श्यामला ने लाइन टच की यस इट्स ट्रू थर्ड यू हैव टू यूज बोथ योर माइंड एंड बॉडी वाइल्ड प्लेइंग कबड्डी यस हमें कबड्डी खेलते टाइम दोनों चीज़ों को यूज़ करना चाहिए फोर्थ

वी हैव टू कॉलम्स अंडर कॉलम ए वी हैव चेडू डू टू छू किट किट हारू डू एंड कबड्डी अंडर कॉलम बी वी हैव पंजाब रीजन आंध्र प्रदेश वेस्टर्न इंडिया साउथ इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया सो आपको ये क्लियर होना चाहिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कबड्डी के पाँच नेम कौन से हैं और किस एरिया में कबड्डी को किस नेम से जाना जाता है तो शेडोगू गुडू किस एरिया में होती हैं आंध्र प्रदेश में हा टू वेस्ट इंडिया में एंड थ्रू किट किट साउथ इंडिया में हाडूडू ईस्टर्न इंडिया में एंड कबड्डी पंजाब में क्लियर सो यू शुड नो दीज पॉइंट्स राइट Now, students, we are going to do worksheet based upon this chapter. So, first is knowledge section A, fill in the blanks. Kabaddi is known as Dash in Andhra Pradesh. It is known as Chadu Gudu. Second, game of Kabaddi is played over 40 minutes with a 5-minute break, right? B, MCQs. A Kabaddi team has how many players? 7 players. Second, Karnam Maleshuri lives in? आंध्र प्रदेश सी मैच कॉलम शेडू विल गो विद आंध्र प्रदेश हा टू टू विद इंडिया गो विद साउथ इंडिया हाडूडू विल गो विद ईस्ट इंडिया एंड कबड्डी विल गो विद पंजाब रीजन next d true or false six players got out when Shamna touched the line yes it's true second rosie was in shamla's team no it's false next we have understanding section short question answers question one how much weight can Karnam maleshwari lift So, Karnam maleshwari kitna weight lift karsakti thi you will learn answer of these questions and write in your worksheet सेकेंड राइट डिफरेंट नेम्स ऑफ हाथुतू तो हाथुतू के कबड्डी के आपने डिफरेंट नेम बताने हैं थर्ड अनालस एंड सेंथिस फर्स्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन कर्नम मल्लेश्वरी तो आपने कर्नम मल्लेश्वरी पर शॉर्ट नोट लिखना है उसको अच्छे से लर्न करोगे फिर उसको लिखोगे कि कर्नम मल्लेवरी कहाँ की थी कितना वेट उसने लिफ्ट कर सकती है अब और कितनी एज में उसने स्टार्ट किया था और कितने उसने मेडल जीत चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर टू राइट सम कबड्डी रूल तो आपको यहाँ कबड्डी के रूल लिखने हैं सेकेंड राइट नेम ऑफ़ गेम प्लेड बाय तो आपने लिखना है कर्नम मल्लेश्वरी कौन सी गेम प्ले करती है मैरी कॉम कौन सी गेम प्ले करती है साइना नेहवाल कौन सी गेम प्ले करती है राइट right, तो आपको एग्जाम में इनकी पिक्चर्स भी आ सकती है और ये क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई दीज प्लेयर्स एंड राइट देयर गेम्स राइट क्लियर सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज कन्सेप्ट लर्न इट एंड देन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक You will note down extra concepts in your notebook number one and worksheet in your notebook number two. Right? Thank you.